नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों कल काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, किरण रिजिजू से उनका कानून मंत्रालय छीन लिया गया है एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। हालांकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो टसल है वो काफी सालों से हमको देखने को मिल रही है, लेकिन तात्कालीन ऐसे क्या कारण हो गए जिससे कि मंत्री जी का मंत्रालय छीन लिया गया है। हम दो ऐसे बड़े कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे, ये न्यूज आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स, मोदी गवर्नमेंट रेजिक, मोदी गवर्नमेंट में मोदी कैबिनेट में बदलाव, किरण रिजिजू गेट्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इनके स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल जी को अपॉइंट किया है एज ए नो लू मिनिस्टर, कानून मंत्रालय का दर्जा अब अर्जुन राम मेघवाल जी को दे दिया गया है। एनडीटीवी, किरण रिजिजू रिप्लेस्ड एज लो मिनिस्टर शिफ्टेड टू अर्थ एंड साइंस मंत्रालय। इसके साथ साथ इनका जो ट्विटर हैंडल है वहां पर भी इस चीज को चेंज कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इट हैज बीन ए प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू सर्व एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आई थैंक टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, लॉ, एंटायर लॉ मिनिस्टर्स, लॉ ऑफिसर्स फॉर हिज ह्यूज सपोर्ट। और इसके साथ जो मंत्रालय मुझे मिला है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री, उसी को मैं उसी उत्साह और विगोर के साथ काम करता रहूंगा। मैं आपको बता दूं जो किरण रिजिजू हैं ये मोदी गवर्नमेंट में वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल मिनिस्टर माने जाते हैं एंड ट्रेबल शूटर। अब इनको रिलेटिवली लो की मंत्रालय पकड़ा दिया गया है इन कंपेरिजन टू दी लो मिनिस्टर। और जो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं ये आपको मैं बताऊं पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनके पास में है एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स कल्चर भी इनके पास में है। तो जो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो इनके पास में है उसके साथ साथ इनको लॉ मिनिस्टर का इंडिपेंडेंट दर्जा दे दिया गया है और ये इतिहास में तीसरी बार हमको देखने को मिला है कि किसी लॉ मिनिस्टर को कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास टोटल तीन ऐसे मंत्री हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में काम करते हैं। पहले है इंद्रजीत सिंह राव, ये आपके बेसिकली गुरुग्राम हरियाणा से आते हैं एंड द स्टैटिक ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय इनके पास में है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि उधमपुर सीट से आते हैं कश्मीर से, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये देखिए आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इनके पास में है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में है। अर्जुन राम मेघवाल जी बीकानेर कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, अर्जुन राम इनको लॉ मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया है, हालांकि इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी अभी भी वर्तमान में है। दूसरा जो किरण रिजिजू जी हैं ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लेकिन एक यूनियन मिनिस्टर या फिर मैं कहूँ जी कैबिनेट मंत्री का दर्जा अभी भी इनके पास में है। ये उसी लिस्ट में बने हुए हैं जिसमें भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर जी या फिर आप देख पाओगे मनसुख मंडाविया, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, किशन रेड्डी कल्चर मिनिस्ट्री, ये आप देखोगे तो कैबिनेट का दर्जा अभी भी इनके पास बना हुआ है। इसके साथ साथ जो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं इनका जन्म हुआ था बीकानेर के राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बीकानेर के अंदर, और ये एक सिविल सर्वेंट हैं। पहले ये आरएस बने उसके बाद आईएएस बने और इन्होंने वॉलेंट्री यहाँ पे डिस्चार्ज ले लिया इनकी सर्विस से और राजनीति के अंदर आ जाते हैं। बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड द मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ एमबीए की डिग्री इनके पास में है। 2009 में पहला इनका पॉलिटिकल करियर शुरुआत होती है, पहला चुनाव लड़ा 15वीं सीट के लिए, 15वीं लोकसभा के लिए जीत के आते हैं बीकानेर से। कांग्रेस के रावत राम परमार को यहाँ पे 20,000 वोटों से इन्होंने हराया और तब से आप देखोगे 2014-2019 यानी कि तीन टर्म में उसी सीट को बचाए रखे बीजेपी के लिए और बीजेपी के चीफ व्हिप भी रह चुके हैं लोकसभा के अंदर, काफी अच्छी पोजिशन यहाँ पे होल्ड करते हैं इन द पार्टी, राइट। अब यहाँ पे लोकतंत्र की छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमारे नेटिजन्स हैं सिटीजन्स उनके द्वारा लिखा गया है सर पृथ्वी का नाम बदलकर कुछ और रख दो। दूसरे यहाँ पे कहते हैं नाउ होनरेबल पीएम सैंड्स यू टू डिग यूर ओन अर्थ, बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले। और इस प्रकार से आप देखोगे तो एक और रुद्र विक्रम सिंह उन्होंने लिखा कि दो बड़े लोगों की लड़ाई में जब समझौता होता था उस समझौते में एक बलिदानी दी जाती है और इस बार के समझौते में कानून का एक जाबाज सिपाही बलिदान हुआ। जब ऐसा लग रहा था कि किरण रिजिजू देश के मरे हुए कानूनी ढांचे में जान फूंकने का काम कर रहे हैं उस समय केंद्रीय मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देना कहां से उचित है। तो हम लोग बात करेंगे किस लड़ाई की बात हो रही है। देखिए ये एक टसल है, लड़ाई है बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ओवर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर, उनके ट्रांसफर एंड उनके अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पे टसल देखने को मिलती है। तो देखिए, वर्तमान में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सिस्टम हमारे पास में जिसकी सहायता से हम लोग अपॉइंटमेंट करवाते हैं, तो इसको कहते हैं कोलेजियम सिस्टम, राइट। अब ये जो कोलेजियम सिस्टम है, ये किसी भी एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट या फिर कानून या फिर किसी भी नोटिफिकेशन के तहत नहीं आया है। इट इज जस्ट इवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सहारे इसको हमने इवॉल्व किया है। एंड ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर करता है जजेस की, चाहे वो फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो। तो इसमें हम इवोल्यूशन की जब बात करेंगे तो तीन सबसे पहले हमको केस पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आता दी फर्स्ट जज केस 1981। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि जो प्राइमेसी है ऑफ द सीजीआई रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कंजेंट रीजंस, अगर ठोस कारण ऐसे नजर आते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इस ट्रांसफर या फिर अपॉइंटमेंट को रिफ्यूज कर सकती है। तो यहाँ पे इस रूलिंग में हमने क्या देखा, जो एग्जीक्यूटिव है उसको प्राइमेसी दे दी जाती है ओवर द जुडिशरी इन द अपॉइंटमेंट्स, राइट। और ये चीज 12 साल तक बनी रहती है। इसके बाद सेकंड जज केस आता है 1993 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया द कोलेजियम सिस्टम। अब इस कोलेजियम सिस्टम में यहाँ पे बात की गई, द कंसल्टेशन रियली मीन कंक्यूरेंस, मीन्स जो आपकी कंसल्टेशन है, सलाह है, आपकी सहमति ही होती है, कंक्यूरेंस होती है। एंड इट इज ऑल्सो एडिड दैट इट वॉज नॉट द सीजीआई इंडिविजुअल ओपिनियन। पहले अगर आप देखोगे तो सीजीआई का यहाँ पे इंडिविजुअल का ओपिनियन या उनका रिकमेंडेशन मान्य होता था, लेकिन यहाँ पर अब बता दिया गया कि इनका सोल इंडिविजुअल का जो ओपिनियन है वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, मीन्स इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन यहाँ पे देखा जाएगा। और इसमें दो जजेज सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे, मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर्मूला आता है 1+3 का, सबसे पहले यहाँ पे होंगे सीजीआई, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज, ये तीनों मिलकर कोलेजियम सिस्टम बनाएंगे और यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस जज का यहाँ पे ट्रांसफर किया जाना है और किस को यहाँ पे एज ए जज बनाना है, ठीक है। नाउ द मेजर वर्डिक्ट इन द सेकंड जज केस अकॉर्डेड प्राइमेसी टू द सीजीआई। अब दोबारा से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सीजीआई को ही अकॉर्डेड कर दी जाती है प्राइमेसी इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। इसके बाद आता थर्ड जज केस 1998 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, एक 1998 में जो प्रेसिडेंट थे हमारे के आर नारायणा, उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाया इस आर्टिकल 143 का सहारा लेकर। जब प्रेसिडेंट के आर नारायणा ने 1998 के अंदर ये क्वेश्चन डिलीवर किया एज ए प्रेजिडेंशियल मेंशन इन द सुप्रीम कोर्ट ओवर द मीनिंग ऑफ द टर्म दैट इज कंसल्टेशन, ये जो कंसल्टेशन टर्म है इसके मीनिंग को लेकर क्वेश्चन किया कि इसका वास्तविकता में मेरे को अर्थ समझाइए कि ये जो आप बता रहे हो कंसल्टेशन बता रहे हो, ये क्या एक सोल ओपिनियन है ऑफ द सीजीआई, कुड बाय इटसेल्फ एस्टैब्लिश ए कंसल्टेशन। इस चीज को फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सीजीआई केवल अकेला नहीं रहेगा, इसमें हम लोग 4 मेंबर और ऐड करते हैं जो कि सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। मींस अब कोलेजियम सिस्टम हमारा बन जाता है सीजीआई प्लस में 4, दैट इज द 1+4, 5 टोटल मेंबर यहाँ पे हो जाते हैं जो कि कोलेजियम सिस्टम को बनाएंगे, राइट। आर्टिकल 143 की अगर हम बात करते हैं तो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करता है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी कि इसका सहारा लेकर प्रेसिडेंट किसी भी मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना सवाल वहां पे ले सकते हैं। और हालांकि ये डिपेंड करता है टोटली ऑन दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो बात को माने या फिर न माने। अब यहाँ पे ये बात और भी बोली गई कि जो सीजीआई हैं वो अपने रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे गवर्नमेंट को जब तक अगर 2 ऐसे व्यक्ति या 2 ऐसे जज एडवर्स ओपिनियन रखते हैं, जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक हम लोग रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे। तो ये था थर्ड जज केस। अब इसमें हमने कोलेजियम सिस्टम को कम्प्लीटली इवॉल्व कर दिया है। अब कोलेजियम सिस्टम को हेड कौन करेगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेज 4 अदर सीनियर मोस्ट जज। हाई कोर्ट के कोलेजियम को लेड किया जाएगा बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो कंसर्न हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जज भी शामिल होंगे। मीन्स अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में 1+4 का फॉर्मूला है और हाई कोर्ट में 1+2 का फॉर्मूला है, ये होता है कोलेजियम सिस्टम। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये वाला जो कोलेजियम है ये इस वाले से सलाह जरूर लेगा। और इसके बाद देखिए गवर्नमेंट का क्या रोल रह जाता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नमेंट का बेसिकली कोई रोल इसके अंदर रिकमेंडेशन में कोई भी रोल नहीं है। जब कोलेजियम अपनी रिकमेंडेशन सेंड कर देता है टू द लॉ मिनिस्टर, इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट में जो लॉ मिनिस्टर हैं
वो फिर इस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को कि ये वाला अपॉइंटमेंट आप कर दीजिए आर्टिकल 124 का सहारा लेकर। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अब गवर्नमेंट का एक रोल और यहाँ पे रहता है, अगर मान के चलिए किसी लॉयर को यहाँ पे एलिवेटेड किया जाता है एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तब जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती है कि ये वाली चीज ठीक हुई है या फिर नहीं हुई है। और मान के चलिए यदि एग्जीक्यूटिव कोई ऑब्जेक्शन उठाती है, अगर क्लेरिफिकेशन मांगती है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, तब उनको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर तीसरी बार दूसरी बार भी सेम नेम्स यहाँ पे सेंड कर दे जाते हैं गवर्नमेंट को, तब यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ये बात भी यहाँ पे मेंशन की गई है, इनके वर्तमान में ये सिनेरियो चल रहा है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 124(2) एंड आर्टिकल 217, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट की और ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 क्या कहता है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड द सील आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अब ये जो कंसल्टेशन शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के बारे में पूछा गया था, जो थर्ड जज केस है हमारा, इसी के बारे में पूछा गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा 1998 के अंदर। एंड इन द स्टेट ये आप देख पाओगे, तो इस प्रकार से 65 ईयर तक इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, अगर दूसरे जजों की यहाँ पे नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट यहाँ पे राष्ट्रपति जी को करना पड़ेगा। और इसी प्रकार बात करता है आर्टिकल 217 जो कि हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है, राइट। अब इसमें इश्यूज क्या है, कोलिजियम सिस्टम को लेकर गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है या फिर कुछ लो एक्सपर्ट है उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि इसके अंदर कंप्लीटली एक्सक्लूजन देखने को मिलता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ने तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उसको तो आपने इससे बाहर कर दिया है, तो इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म बढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेज देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पे 1+4 का फॉर्मूला अपनाते हो, आप किस जज की यहाँ पे नियुक्ति करते हो, किसका ट्रांसफर करते हो, किसको सीजीआई बनाना है, ये कंप्लीटली क्लोज डोर मैकेनिज्म है, किसी को इसके अंदर पता नहीं होता, मतलब इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की बातें खड़ी होती हैं। एंड अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन की बातें यहाँ पे आती है कि सरकार का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। तो अब इस चीज को देखते हुए सरकार ने क्या रिफॉर्म्स लिए, सरकार ने क्या यहाँ पे प्रयास किए, तो 2014 के अंदर हमारी गवर्नमेंट लेके आती है एनजेएसी एक्ट, दैट इज द नेशनल जुडिशियर अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, 2014 में इसको पास कर दिया जाता है बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगले ही साल अक्टूबर 2015 में, आई थिंक 16 अक्टूबर 2015 की बात है, इसको स्टैक डाउन कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को थ्रेट है एक प्रकार से, राइट। क्योंकि देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊं, एनजेएसी के अंदर ये जो कमीशन बनने वाला था इसमें 6 मेंबर होने वाले थे, 3 मेंबर आएंगे सुप्रीम कोर्ट से और 3 मेंबर सरकार भेजेगी, ये रहने वाले हैं 1+2, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज। यहाँ पे 3 मेंबर हैं 1+2, एक तो रहेंगे लॉ मिनिस्टर और 2 मेंबर यहाँ पे 2 एमिनेंट पर्सन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। और इसी 2 एमिनेंट पर्सन को लेकर यहाँ पे मुद्दा खड़ा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो दो एमिनेंट पर्सन की आप बात कर रहे हो, ये हमारी जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कर्टेल करेंगे, उसके लिए खतरा है। तो इसी को लिए ये एकमात्र ऐसा संवैधानिक संशोधन रहा है हमारा 99th, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वॉयलेशन है, केस वन अंदर भारतीय केस का वॉयलेशन है, आप यहाँ पे जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल कर रहे हो, इसके लिए इस चीज को फिर स्ट्रैक डाउन कर दिया गया था अक्टूबर 2015 के अंदर। लेकिन जो लॉ मिनिस्टर थे वर्तमान में किरण रिजिजू, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के बारे में कि जिससे उनका अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तो देखिए कुछ ऐसी बातें पिछले साल से और इस साल में भी इन्होंने बोली हैं। सबसे पहले इनका एक स्टेटमेंट आता है कि अंकल जज सिंड्रोम, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये एक अंकल जज सिंड्रोम है। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जैसे आपका कोई जान पहचान वाला अगर जज बन जाता है तो आपके रास्ते यहाँ पे साफ हो जाते हैं, मीन्स इफ समवन यू नोज हैज बिकम ए जज
देन योर पैथ बिकम क्लियर, आपका पैथ रास्ता यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की भावना उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जजेस डोंट फेस इलेक्शन, आप कोई भी इलेक्शन फेस नहीं करते हो, लेकिन जो लॉ मिनिस्टर हैं या फिर जो लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, वे पब्लिक स्क्रूटनी से बाहर होके आते हैं, पब्लिक स्क्रूटनी को फेस करते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई भी काम नहीं करते हो। इसीलिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी के अंदर वो होना चाहिए। इसके साथ आगे कहते हैं ऑन द डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, की जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें डिले देखने को मिलता है, और सरकार का काम केवल साइन ऑफ करना नहीं है, जो आपने रिकमेंडेशन भेजी है उनके ऊपर साइन करना सरकार का काम नहीं है। यहाँ पे सरकार का भी एक प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए। 2022-25 नंबर की बात है, किरण रिजिजू सेड दैट एज लॉन्ग एज द कॉलेजियम सिस्टम इज प्रिवेलिंग ही हैज आल्सो टू रिस्पेक्ट द सिस्टम, बट इफ यू एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट शुड मेयरली साइन ऑफ द नेम्स टू बी अपॉइंटेड एज द जज just because it is recommended by the collegium, what is the role of the government then? तब सरकार का रोल यहाँ पे क्या रह जाता है? तो ये सवाल इन्होंने उठाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि some retired judges are part of the anti-India gang, कुछ यहाँ पे जज ऐसे हैं जो कि anti-India gang के part हैं, और इसमें ये अपोजिशन का जो रोल है वो निभा रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ बातें इन्होंने, मतलब आरोप इन्होंने लगाए थे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट को एक्सट्रीमली बिजी रखता है, जिससे उनकी जो ड्यूटीज हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होती हैं, एंड कॉलेजियम सिस्टम इज एलियन, मतलब इसका कोई भी संविधान में जिक्र नहीं है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नहीं है कॉलेजियम सिस्टम का। तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे आपका ये जो सिस्टम है ना, यही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा आरोप लगा है या फिर ऐसी बातें बताई गई हैं जो लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, अब ये मतलब मैटर था जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि पहला सबसे बड़ा कारण यही है कि इनको लॉ मिनिस्ट्री के पद से हटा दिया गया है, क्योंकि पिछले ही वीक की बात है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं वो वीपी दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, उनके द्वारा भी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर हालिया सवाल उठाए गए थे, और जो केशवानंदा भारती केस है उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। इस चीज को लेकर एक बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर दोनों के ऊपर एक पिटिशन फाइल की गई कि इनको तुरंत प्रभाव से अपना पद यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दो मंत्री ऐसे हैं जिनके पास में जिनके जो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी को बिलीव नहीं करते हैं। अब इसको यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर ये प्लीज आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, जो ऊपर तक बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को देख के ही बोलते हैं। तो ये टसल हमको देखने को मिलती है, राइट। दूसरा यहाँ पे बताया जाता है कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे इस प्रकार के रिसफल हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे हार जाती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार आ जाती है। दूसरा यहाँ पे बताया जाता है कि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, और उसी चीज को लेकर यहाँ पे ये रिसफल देखने को मिलता है, हालांकि इलेक्शन के टाइम हमको देखने को मिलता है। तो दोनों रीजन यहाँ पे बताए जाते हैं, राइट। आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप इसके ऊपर क्या सोचते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, कुछ अगर सीखने को मिला है तो शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।